जान रहे हैं, पांच साल साढ़े पांच साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, आप फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं इन पर, तो हम लोग चले गए हैं, तब फिर शुरू किया। कोई तरीका है जी, कोई बात है, इसीलिए आप जान लीजिए, जब चलता है ना तो दिक्कत ये है प्रेस वाले को कि पुराना बात तो छाप नहीं सकते, तो जरा पुरानवा भी तो छाप दीजिए कि एक तो साढ़े पांच साल पहले किया था, आज जब कुछ नहीं है था तो फिर क्या शुरू किया, तो आप सोच लीजिए, खाली फिर हम लोग एक साथ बैठे हैं तो पुराने लोग, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, इसलिए इन सब चीजों पर हम लोग क्या कहेंगे, इन लोगों का तो जो मर्जी होता है जो करते रहते हैं, सब कोई मतलब नहीं। गलत बोल रहा है, आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और आपको मालूम है ना कि 2000 में जो सरकार थी तो उस समय की सरकार ने जो इनकी माताजी की मुख्यमंत्री थी, तो वो आप समझ लीजिए कि उस समय जो बनाया था सभी ओबीसी के लिए जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था, तो उसी को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने दे दिया था ओबीसी में खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इनकी इतना है लोग जितता ही है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर के वो रुक गया और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहां से वापिस करेंगे और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया, तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग आ जाके हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसको रिजेक्ट किया, तो ये सोच लीजिए कि चार बार पंचायत चुनाव का और तीन बार नगर निकायों का चुनाव हो गया, तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है कोई आज की बात है, सबसे पुराना 1978 की बात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये काम किया हुआ है, आप जरा सोच लीजिए, आज की बात है, कोई आज कोई राज्य की सरकार कर रही है तो उससे इसका क्या मतलब है, यहां पर तो पहले से लागू है, 1978 से लागू है और उसके बाद जो कुछ भी कहा हम लोगों ने बना दिया और जो कुछ हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ था और उसके चलते हम लोगों ने ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को कर दिया और उसको सब ने मान्यता दे दी, तो अब बिहार में कोई दूसरी चीज की क्या जरूरत है, मुझको समझ में नहीं आता है। और हमको तो आश्चर्य लगता है नगर निकाय का किसको कितनी जिम्मा था, हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे, अब सोच लीजिए मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में, अब बताइए ये सब काम किया गया, और जब जब वो 7 थे सब उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का, और तब आज ये सब बात क्यों कर रहे हैं, और जो चुनाव हुआ है ये बताइए, तो हो गया 5 साल पूरा और उसके बाद चुनाव देर हो रहा था, तो हमने कहा कि भाई क्या भाई 5 साल पूरा हो गया तो काहे नहीं चुनाव होता है, चुनाव होना चाहिए तो चुनाव शुरू उसके बारे में शुरू हुआ, लेकिन कौन सी बात हो रही है हमको तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जान लीजिए कि बिहार का जो हुआ है ओबीसी और ईबीसी ये आज का नहीं, याद रखिए 1978 का है, और उसके बाद हम पर आरोप लगाता है कि और लोग, अरे जो अप्लाई करता है तो कुछ लोगों को उसमें शामिल होने वाली बात, और आप जानते हैं ईबीसी में सब में तो यहां तो माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, तो सारे लोग हैं और ये इतने दिन से चल रहा है, आज तक कोई गलत चीज नहीं है और ऑल ऑफ ए सडन अभी हुआ है, तो अभी तो हमारे यहां से फिर एक बार अनुरोध करेगा कि भाई देख लीजिए ये तो पुराना पहले का है, वहां पर तो कोई नया चीज लागू नहीं है,
जब मान लीजिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबने उसका अप्रूवल दिया है तो फिर नया चीज कैसे हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि लोग सब ओबीसी खिलाफ हो गए क्या, अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आश्चर्य है, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कब बना ओबीसी और ईबीसी 1978 और 2006 में से शुरू किया गया और 2007 में नगर निकाय के लिए भी हुआ, सब पार्टी से मीटिंग करके राय लेकर के और जो ये काम किया गया और उस समय विभाग उनका था और जो कुछ भी किया गया है और चार बार चुनाव हो गया पंचायत का और तीन बार नगर निकायों का चुनाव हो गया, इसके बाद इसके बारे में कुछ बोलना मुझको तो आश्चर्य होता है। सब लोग थे साथ, क्या बात है भाई, कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। कोई कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं और क्या था, पहले था आरजेडी में फिर आया, मैंने यहाँ समझिए हम लोगों के जेडीयू में, अब गया है बीजेपी, ये क्या कर रहा है। और उसके पिता को कौन इज्जत दिया था, हम ही लोग न दिए थे जी, जो समता पार्टी बना था उसी में ना, यही ना गांधी मैदान में जिस दिन नामकरण किए थे समता पार्टी, और उसी दिन इंडिपेंडेंट थे यहाँ शामिल कराए थे। आप जरा सोच लीजिए, सब लोगों के लिए जिसके लिए बहुत कुछ हम किए हैं उसको भूल जाता है और ये सब बात करता रहता, क्या क्या बोलता रहता हमको समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग बोलते रहते होंगे सोच करके कि हम बोलते रहेंगे खूब पब्लिसिटी होगी तो आप लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया है, आप थोड़ा बहुत मेरा छाप दीजिएगा एक बार, लेकिन बाकी जो है कुछ करवे नहीं करिएगा, उसका एक तरफा चलता रहेगा, आपका भी मजबूरी है क्या करेंगे। लेकिन आपकी मजबूरी नहीं, आप गलती नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आप पर नियंत्रण कर लिया है ऊपर से, इसलिए तो और क्या। सुशील मोदी कह रहे थे कि आपके जीत के कारण ये हुआ है, जो अति पिछड़ा समाज। सोच लीजिए, श्री सुशील मोदी जी से कहिए कि जब ये किया गया तो आप उप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, इस विभाग के भी थे, भूल गए। और हम लोग तो आपसे आग्रह करेंगे, आप अपने अखबारों का पुराना चीज निकाल के देख लीजिए, तब पता चल जाएगा इन लोगों को। हम जाएंगे, हमको देखना है, कोई जाए उसे हमको मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो वहाँ करवा रहे हैं। और थोड़ा सा काम जो यूपी वाला भी बचा हुआ है नदी के किनारे वाला, तो उसके चलते लोगों की सुरक्षा हो जाएगी, तो हमने अनुरोध किया है कि भाई उसको तेजी से और करवा दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, उनका गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आप कितना बार ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था? ना ना, गलत बोलता, वैसे ही बोलते रहता, सुन लीजिए कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार, हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है अब जाना है, एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए, हमके भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले आज से चार साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है, आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है, हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने, क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता हम नहीं कुछ कहेंगे, खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब, कोई मतलब है, कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है, अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहां भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है।